नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिनकी चर्चा देश भर में लगातार हो रही है। उनमें से एक है मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को कांग्रेस के कद्दावर नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार माहौल यहां का बिल्कुल बदला हुआ है। कांग्रेस के कई सीनियर नेता पार्टी छोड़कर अब जा चुके हैं। छिंदवाड़ा जिले के कार्यकर्ता हर दिन पार्टी छोड़कर बीजेपी या दूसरी पार्टियों में अब जा रहे हैं। कमलनाथ का भी फोकस सिर्फ छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर रह गया है। वो अपने बेटे नकुलनाथ के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे खुद बड़े परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या पार्टी के साथ हो गया जिसके कारण उन्हें इसी सीट पर फोकस करना पड़ रहा है। दोस्तों, छिंदवाड़ा में 16 लाख वोटर में से 35 से 40% आदिवासी हैं, जो कि जीत में एक बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। नकुलनाथ की जीत के लिए कमलनाथ 25 मार्च से लोकसभा में ही हैं। वे करीब करीब 2000 बूथ के कार्यकर्ताओं से संपर्क भी कर चुके हैं। 2019 में कमलनाथ की जीत का अंतर कम होने की वजह कार्यकर्ताओं उस दौरान नाथ के सीएम होने और चुनाव में कार्यकर्ताओं के बीच न पहुंच पाने को बता रहे थे। इस बार कमलनाथ, नकुलनाथ अलग अलग हेलीकॉप्टर से रोज चार चार सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। नाथ पिछले 15 दिन में 80 सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। वे अंतिम बूथ तक पहुंच रहे हैं। नकुलनाथ 11 बजे छिंदवाड़ा लोकसभा के प्रभारी बाला बच्चन के साथ हेलीकॉप्टर से सभाओं के लिए निकल रहे हैं। वहीं प्रिया नाथ कार से रवाना होती हैं और महिलाओं की सभाओं तक वे भी पहुंच रही हैं। वहीं बीजेपी ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। छिंदवाड़ा से बंटी साहू को टिकट दिया गया है। भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को यहां से प्रभारी बनाया गया है। वे प्रत्याशी बंटी साहू के साथ लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी ने दिग्गजों की फौज उतार दिया। खुद सीएम मोहन यादव भी यहां पर लगातार सभा कर चुके हैं। ऐसे में कमलनाथ बीजेपी की रणनीति को भेदने के लिए लगातार छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा की यह रणनीति कामयाब हो गई है। उन्होंने कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता को छिंदवाड़ा तक ही सीमित कर दिया है। कमलनाथ ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार इस समय जुटा हुआ है, क्योंकि उनकी साख का अब सवाल बन चुका है यह छिंदवाड़ा की सीट। आने वाले दिनों में लगातार वे लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने नकुलनाथ की सीट को बचाने के लिए। तो यह थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।